सुबह एक मसला ये है कि आगा स्टील मजबूत इनिंग हम हर रोज किसी न किसी प्लेयर को देते हैं, लेकिन आज तो मैच ही नहीं हुआ, बारिश हो गई, तो आज किसको दें हम? देखें, हमेशा हर टीम का जो ओपनर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो आते ही पहले ओवर में बॉलर्स की पिटाई कर दे और इतना अंडर प्रेशर लिया है कि वो आगे चल के बॉलिंग ना कर सके। तो आज जो है भट्टी साहब को मैं दूंगा, इसलिए कि उन्होंने आते ही अली हमारे चाइना के कप्तान के ऊपर जो हमला किया बराबर कर दिया। आगा स्टील मजबूत इनिंग। अच्छा जी, अब हम चलेंगे। एक मिनट, अब एक बात मेरी भी सुन लो जी। आपको पता है कितनी अच्छी बात की भाईजान ने? सीकू भाई को देख के मुझे स्नैक का ख्याल आ गया। हमारा स्नैक पार्टनर पता है कौन है? नॉकआउट, नॉकआउट, नॉकआउट। भट्टी साहब ने नॉकआउट कर दिया, नॉकआउट कर दिया आज आपको। वाकई ये अलग बात है, आज खुद बाकायदा बाथरूम में लटकी हुई बंदूक लग रहे हैं। अच्छा, यारी दोस्ती में इनके जुमलों का सिलसिला शुरू हो गया तो वो प्रोग्राम खत्म हो गया। अगर करना है तो आ जाएं। थोड़ी देर बाद अच्छा, क्योंकि मेरे कुछ सवाल आते हैं और ये रैपिड फायर है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से करेंगे। नवाज शरीफ वापस आएंगे जल्द? ये जिस तरह की कौम है वो आखिरी दमों तक वापस आते रहेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार भी हो सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि मैं सलाम करता हूं इस कौम को कि जिसमें वो पहली दफ़ा भी 3 दफ़ा बन गए और 3 दफ़ा और बनने के चांस भी। तो फिर आप क्या करेंगे भट्टी साहब अगर बन गए तो? मैं यही कहूंगा मेरे बच्चों का दूध पी गए। आहिस्ता आहिस्ता भट्टी साहब आपका नाम पड़ जाएगा, भट्टी साहब दूध वाले। अच्छा, ये बताइए, ये नवाज शरीफ के बारे में आप इतना गुस्से में होते हैं, इतनी तनकीद करते हैं, कोई ज़ाती मसला है या कुछ और इशूज़ हैं? यार, इस एक चाइना के खान को कहो, जब दो जूनियर आदमी बात कर रहे हो तो सीनियर को नहीं बोलना चाहिए। ओके सर जी। अच्छा नवाज शरीफ, क्यों ना होता है उन पर? जब भी कोई आपका, जिसको आप अपने मुल्क की, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, आप सारे यंग हो, जब भी इस आपके मुल्क का, जिसको आप अपना मुल्क हाथ में दो और वो आपसे चीट करे, धोखा करे, तो उस पर गुस्सा ना हो तो और क्या करे? तालियां तो मार दो जालिमो। ये लगता है नवाज शरीफ साहब की साइड साइंस थी, तालियां बजवानी पड़ी आपको। हाँ, हाँ। मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो जरदारी, ब्राइट फ्यूचर किसका है सियासत में? चले नहीं बताएं, पूछ रहे हैं सवाल, वो देखें पीछे। इससे ज्यादा अल्लाह के फजल से ब्राइट मेरा है। इन दोनों में से कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा पाकिस्तान के कभी? मैं कह रहा हूं कि इनके बच्चे भी बनेंगे, लेकिन ब्राइट फ्यूचर मेरा है। अच्छा, हाँ। मतलब वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद ये मैं कह रहा हूं कि ये लॉटरी है मुल्क जो इनके लिए निकला हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आपको लगता है शहबाज शरीफ कभी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, ये ख्वाहिश उनकी पूरी होगी? अल्लाह के फजल से आप हमजा शहबाज के बेटे का नाम वो भी याद करें, वो भी बनेंगे, सारे बनेंगे, ये सब तो बनेंगे, तो आवाम की ताकत से ही बनेंगे ना, तो इसमें ऐतराज़ तो आवाम वोट देगी, बन जाएंगे। कोई आप, मेरी राय मेरी मर्जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप इतने दुखी क्यों इस बात पे कि बनेंगे तो आवाम वोट देगी? आपकी एक राय अक्सरियत की राय उनके हक में होगी। आप घर से निकलें, आपकी जेब कट जाए, आगे जाएं कोई गड्डी का टायर ले जाए, उसके बाद आगे जाएं कोई पत्थर मार के सर फोड़ दे और कहें कि हंसी हंसते हुए आओ, मुस्कुराते मुस्कुराते आओ। लेकिन ये तो आप कह रहे गड़ गई गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी का टायर गया, तो ये आवाम के नहीं नजर आ रहा? ये उनकी अकल भी चली गई। चले एक लफ्ज, हाँ। इन हजरात के लिए उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार किस्मत का कोई शरीक नहीं, किस्मत का कोई शरीक नहीं, लकी धनी, किस्मत का धनी। आप तो वसीम अकरम प्लस कहते हैं उनको। आप तो है क्या वसीम अकरम प्लस है, देखो कोई नहीं ला सका उसको, कोई नहीं ला सका, आप ही नहीं, कोई उस पे तनकीद नहीं कर सकता, उसने काम ही कोई नहीं किया, तनकीद क्या करनी है। ये वज़ीर आला महमूद खान, उस्मान बुज़दार प्लस, उस्मान बुज़दार प्लस। आपके दोस्त हफीजुल्लाह नियाज़ी, अब दोस्त नहीं कहेगा, दोस्त मैंने कह दिया, अल्लाह जन्नत में ऐसे साथी, जन्नत में भी ऐसे साथी ना देना। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से क्या मसला है आपका? हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से एक ही मसला है कि वो अकल की बात सुनते नहीं और अकल की बात करते नहीं। अकल की बात सुनते नहीं, अकल की बात करते नहीं। हाँ। अच्छा, इस पे अफ्सा कोमल हमारे प्रोग्राम में थी, मैंने उनसे पूछा ज्यादा अकल की बात कौन करता है, ज्यादा लॉजिक किसकी बात में, आपकी बात में या नियाज़ी साहब की बात में? अब वो तो प्रोग्राम करती रही है रिपोर्ट कार्ड एक अरसे तक, उनका ओपिनियन न्यूट्रल होना चाहिए, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। जी,
ज्यादा लॉजिकल और रैशनल बात कौन सर और पूरे सर अंदाज में अपनी बात पहुंचा पाते हैं इरशाद भट्टी साहब, लेकिन न्याजी साहब के ख्याल से अक्सर मेरा मैं उनकी बात से एग्री कर रही होती हूँ, तो यू नो मैं बस क्यों, लेकिन आप भट्टी साहब का कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया है पूरे इसरार अंदाज में। ये भट्टी साहब पहुंचाते हैं, कैमरा करीब करना, मैडम स्पीकर जिंदाबाद। ये भट्टी साहब, ये आपको ट्रिब्यूट है इतना बड़ा, और यकीन करें ये इतने लॉजिकल इंसान है, अपनी इतनी अकल इस्तेमाल करते हैं, तो नाते भी शॉपर पहन के हैं। मैं क्या शॉपर पहन के क्यों नहाते हैं, कहते हैं मुझे डर है मेरी अकल में पानी ना पड़ जाए। अच्छा वो सोचते हैं। अच्छा वो ऐसे ट्रक ड्राइवरों के ट्रक के पीछे उन्होंने लिखाया होता है जलने वाले का मुंह काला। ऊपर मैं तो गोरा हूं। अच्छा बड़ी साहब, जरदारी साहब के लिए क्या कहेंगे, वन वर्ड? अल्लाह उन्हें सेहत दे। ओके, महवेश हयात तमगा इम्तियाज जीती है। महवेश हयात बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप। फिरदौस आशिक अवान बाजी जिंदाबाद। ये था आज का रैपिड फायर और सबसे हमारे सवालात। कल के मैच में आते हैं जी, कराची में मैच है, बड़ा मुकाबला है लाहौर वर्सेस कराची, क्या कराची बदला ले पाएगा? सिकु भाई बदला ले ना ले, अच्छा मैच होना चाहिए, लोग आए, मैच हो पीएसएल का। मैं तो बस इस बात पे खुश हूँ कि पीएसएल की एंडिंग नज़दीक आता जा रहा है और सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, आवाम बहुत मतलब इन्जॉय कर रही है। प्रेडिक्शन क्या है कल कौन जीतेगा? मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये पहला मैच है जिसमें आप कह रहे हैं कि कोई प्रेडिक्शन नहीं। दोनों टीमें तगड़ी हैं, लड़ेंगी, मजा आएगा, मगर थोड़ा रिदम लाहौर का चल रहा है। एक आखिरी बात जी, आज मैं और आप गए हुए थे बिन डंक की सालगिरह, जरा जी जी बिन डंक की आज सालगिरह है लाहौर कलंदर के प्लेयर हैं, अभी हम हैप्पी बर्थडे अटेंड करके आ रहे हैं, तो बेन डंक जिन्होंने सिंगल हैंडेडली दो मैचेस जिताए हैं, हैप्पी बर्थडे भट्टी साहब की और मेरी और ऑडियंस की तरफ से। चलिए जी, कल कौन जीत रहा है? मैं तो जाहिर है वो मैंने एक शेर कहा था कि लाहौर कलंदर के लिए पिच पिर सिकंदर बख्त एवरग्रीन स्मार्ट, दुआ है मेरी चाइना के खान के अल्लाह बुढ़ापे में तुझे ऐसा करे। मैं कोई बुढ़ा तो नहीं हुआ, तारीफ कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप तो कह रहे बुढ़ापे में। फिर कुछ हार्ट ब्लड पंप हुआ है, फिर कुछ हार्ट रेट जंप हुआ है, ये बारी हो कलंदर की बारी, बस दिल से यही दुआ है। वाह क्या बात है। मैं वैसे भी अगर इन्होंने किसी और टीम का नाम लिया होता या कराची का लिया होता तो राणा आदिल साहब ने छोड़ना नहीं था इनको। हाँ हाँ जी, मैं सिकू आपको आजकल बहुत याद करता हूँ यार, कल मैंने एक जनरल स्टोर से ड्राई फ्रूट आनी वो ठंडी किस्म की, कल मैंने ड्राई फ्रूट खा रहा था तो पहले आप जैसा खराब चल गोजा बीच में सर, तो मुझे मैंने आपको बड़ा जी।